मैं हो गई हूँ रेडी और भाइयों को भी, बस हम लोगों ने बस नीचे पैंट डाल लिया, वो टी शर्ट मैंने। तो आप सभी को जय श्री राधे। और टाइम हो रहा है 7 बजे का, ये इवनिंग से ब्लॉग शुरू हो रहा है, छोटा मिनी ब्लॉग कह सकते हैं आप। तो बस अभी ये गए हैं बाजार, एक इनके ऑफिस में बाबूजी हैं, उनकी बेटी की इंगेजमेंट है तो उसकी प्रिपरेशन करने के लिए साथ में गए हैं वो हेल्प के लिए। और मुझे भी आज सर्दी होगी, हर्षु को तो पहले से सर्दी थी और मुझे भी सर्दी हो गई है, तो मेरा सूप पीने का मन कर रहा था तो मैंने इनको कॉल किया कि आ जाओ थोड़ा जल्दी, तो सूप पीने चलेंगे। तो बस हम निकलेंगे सूप पीने के लिए। और इसी बीच भैया ने कर दी पॉटी, पूरी दरी ख़राब कर दी, वो दिख रहा होगा, तो मैं अभी इसे ऐसी रख दूंगी, मॉर्निंग में वॉश करूंगी और रेडी हो जाते हैं। इनका कॉल आया था कि आप लोग रेडी हो जाओ, तो चलेंगे टाइम से, फिर टाइम से आ भी जाएंगे। तो ये डले हैं छिछू करके, सब खराब करके, तो बस हो जाते हैं रेडी। क्या होना है, इसके नीचे जींस डाल लेना और निकल जाना है, ये पानी यानी सब इसका ही लगा हुआ है। मैं हो गई हूँ रेडी और भाइयों को भी, बस हम लोगों ने बस नीचे पैंट डाल लिया, वो टी शर्ट मैंने चेंज कर दी क्योंकि वो काफ़ी उसमें गीली हो गई थी, तो मैंने चेंज कर दी, यहीं पास तक जाना है बस, ये आ जाए फिर निकलते हैं। मैंने दरी हटा दी, अभी इसमें दूसरी दरी गद्दे डालूंगी। अब बोल तो रहे हैं कि आने वाला हूँ, पता नहीं कब तक आएंगे, इनका 5 मिनट 5 घंटे होता है, कभी टाइम से नहीं आते हैं। अब ये आ तो गए हैं लेकिन इतना ज़्यादा लेट हो गया है ना कि अब बच्चे को इतनी रात में लेके निकलना मुझे सही नहीं लग रहा है, तो बस अब लग रहा है कि नहीं जाऊँ, मैं गुस्सा बहुत आ रहा है। जा रहे हैं कहीं, अब बन रहा है घर में ही खाना, आटा गूंथ गया है, बनाऊंगी रोटी और मॉर्निंग का राइस और दाल वगैरह रखा हुआ है तो रोटी बना लेती हूँ।